Welcome SVPH to presentation on chapter number six, The Greatest Pressure, and this is part two of our presentation. So, students, in our previous presentation, we have done this chapter right, and what happens? Lion and Peter they cross the mountain while eagle with his sharp vision watching every step they took. Right now, let's continue further. सोन एस डबल ओ एन सोन मतलब जल्दी ही दे रीच्ड द वैली यहां पर बच्चों दे किसके लिए आया है दे आया है पीटर लाइन एंड ईगल के लिए राइट सो सोन दे रीच्ड रीस्ट मतलब पहुंच गए आर ई ए सी एच ई डी एंड वेर डिड दे रीच द वैली बिलो ओके बिलो मतलब नीचे यू सी दे क्रॉस द माउंटेन और माउंटेन के नीचे क्या होती है वैली यू नो वट इज अ वैली यू सी दिस इज द माउंटेन राइट एंड दिस इज वैली सो आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन दे रीच द वैली क्लियर वेयर दे मेट शीप एस एच डबल ई पी ओके शीप का मतलब आपको पता ना क्या होता है भेड़ राइट right? वेयर मतलब जहाँ पे डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर वेयर मतलब जहाँ पे दे मेट एम ई टी मेट मेट का मतलब होता है मिला तो ये जो है पीटर लायन एंड ईगल सून दे रीच द वैली बिलो वेयर दे मेट शीप और वहाँ पे वो किससे मिले शीप से मिले राइट नाउ वट एपन्स विल यू अस इन आर सर्च फॉर अ ट्रेशर पीटर आस्ट शीप तो पीटर ने शीप को क्या आस्क किया विल यू ज्वाइनस क्या आप हमें ज्वाइन करेंगी इन आर सर्च ओ यू आर आर मतलब हमारी ओके okay? और हमारी सर्च किसकी थी हमारी किसकी तलाश थी फॉर अ ट्रेजर ट्रेजर के लिए जो हमारी सर्च है तलाश है उसमें विल यू ज्वाइनस ठीक है सो एस ई ए आर सी एच सर्च मतलब तलाश राइट एंड कीप एस वॉम और कीप मतलब रखना के डबल ई पी कीप कीप मीन्स रखना सो कीप अस यू एस अस अस मतलब हमें सो पीटर ने क्या आस किया विल यू ज्वाइन अस इन आर सर्च फॉर अ ट्रेशर एंड कीप अस वम वेन इट इज कोल्ड और हमें जो है वॉर्म कीप करोगी आप वॉर्म रखोगी डब्ल्यू एच ई एन वेन मतलब जब इट इज कोल्ड जब ये कोल्ड हो ठंडा हो राइट शीप एग्रीड तो शीप जो है वो एग्री कर गई शीप ने बात मान ली एंड ज्वाइन पीटर लायन एंड द ईगल एंड शीप ने किस किस को ज्वाइन किया पीटर लायन एंड द ईगल इनको ज्वाइन कर लिया राइट right?

एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड दिख ही नहीं रहा हो ओके जहां देखो वहां पे उन्हें क्या दिख रहा था मीडो एंड वॉट इज अ मीडो एम ई ए डी ओ डब्ल्यू यू नो राइट दिस इज मीडो राइट दिस इज मीडो सॉफ्ट ग्रास का ग्राउंड राइट सो अ कोल्ड विंड स्वेप्ट अक्रॉस द एंडलेस मीडो अब जो है ठंडी हवा वो चल रही थी एंडलेस मीडो में जो सॉफ्ट ग्रास का जो ग्राउंड था बट उनको कोई परेशानी की जरूरत थी क्या डिड दे नीड टू वरी क्या उन्हें परेशान होने की जरूरत है नो no. क्योंकि अब उनके पास शीप है और शीप की जो वूल है वो क्या है वॉम रखती है राइट सो दे ऑल हडल्ड अगेंस्ट शीप हडल्ड मतलब इकट्ठा हो जाना एक जगह पे एक छोटी सी जगह पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हडल्ड ओके सो दे ऑल हडल्ड अगेंस्ट शीप सब जो है शीप से आके सॉर्ट ऑफ यू नो पट गए सब शीप के पास में आके इकट्ठा हो गए हु देम वॉम एंड कोजी हु मतलब जिसने यहां पे हु किसके लिए है बच्चों शीप के लिए तो शीप ने क्या किया केप्ट देम केप्टॉम एंड कोजी के डबल ई पी कीप मतलब रखना एंड के ई पी टी केप्ट केप्ट मतलब रखा तो शीप ने क्या रखा वोम एंड कोजी उनको टी एच ई एम वॉर्म देम मतलब उनको कोजी मतलब कंफर्टेबल एंड वार्म मतलब विंटर में वार्म रखना राइट right? गर्म रखना ओके द फोर फाइनली रीच द डेजर्ट अब जो ये जो दो चार लोग है ना चार जो एनिमल्स थे और पीटर को मिला के द फाइनली रीच द डेजर्ट फाइनली मतलब आखिरकार रीच द डेजर्ट डेजर्ट में पहुंच गए यू नो वट इज डेजर्ट डी ई एस ई आर टी डेजर्ट मीनस रेगिस्तान ओके okay? जहां पे हर तरफ सैंड होती है रेत होती है राइट नाउ वट एपन्स वेयर दे मेट कैमल वेयर मतलब जहां पे जहां पे दे वो मिले एम ई टी मेट मेट मतलब मिले किससे मिले सी ए एम ई एल कैमल से यू you नो know?

यू मतलब आप यहां पे यू किसके लिए आया है कैमल के लिए सो यू आर कॉल्ड मतलब आपको कहा जाता है क्या कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का डेजर्ट का शिप कहा जाता है ओके नाउ यू सी है एक तो होता है एस एच डबल ई पी राइट शीप शीप का मतलब तो होता है भेड़ एंड एक होता है एस एच आई पी शिप शिप होता है जहाज जो पानी का जहाज होता है ना शिप सो वॉट डू यू कॉल एंड वॉट डू यू कॉल अ कैमल कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट क्लियर सो शिप एंड शिप दोनों का डिफरेंस आपको पता है एक्सीलेंट विल यू हेल्प गेट अक्रॉस एंड ज्वाइन द ट्रेशर हंट टू तो अब पीटर क्या कहता है विल यू अस क्या आप हेल्प करेंगे अस मतलब हमारी किसके लिए गेट अक्रॉस मतलब पार करने के लिए जी ई टी आर ओ डबल एस गेट अक्रॉस मतलब किसी चीज को पार करना सो विल यू अस गेट अक्रॉस क्या आप हमारी हेल्प करेंगे पार करने में किसको डेजर्ट को एंड ज्वाइन द ट्रेजर हंट टू और ज्वाइन करेंगे ट्रेजर हंट को मतलब खजाने के जो हंट है ना तलाश उसको ज्वाइन करेंगे सो कैमल एग्रेड ना वट है ऑल्सो एग्रेड अब कितने लोग हो गए पीटर लायन एंड शीप तो ये जो तीन है माउंटेड द कैमल कैमल के ऊपर बैठ गए एमओ यू एन टी ईडी माउंटेड सो एम ओ यू एन टी ई डी माउंटेड मतलब टू क्लाइम ऑन समथिंग किसी चीज पे क्लाइम करना किसी चीज पे चढ़ना तो जो पीटर लाइन एंड शीप है वो किसके ऊपर माउंट किए किसके ऊपर चढ़े कैमल ओके सो दे माउंटेड द कैमल एंड सेट ऑफ हैप्पीली सेट ऑफ मतलब चल दिए निकल पड़े एस ई टी ओ डबल एफ सेट ऑफ मतलब चल देना या निकल पड़ना ट ऑफ हैप्पीली मतलब खुशी खुशी अक्रॉस दिग मतलब विशाल पीटर लाइन एंड शीप माउंटेड द कैमल कैमल के ऊपर ये लोग माउंट किए चढ़े एंड सेट ऑफ है अक्रॉस दास्ट डेजर्ट ओके सो निकल दी निकल पड़े आराम से खुशी खुशी अक्रॉस द वास्ट डेजर्ट जो ह्यूज डेजर्ट था उससे पार होते हुए राइट विद ईगल एंजॉय द स्पेक्टिकल फ्रॉम अबोव अब जो ईगल है वो क्या कर रहा था एंजॉय कर रहा था स्पेक्टिकल फ्रॉम अबोव नाउ यू नो व्हाट इज स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल का मतलब होता है इंप्रेसिव व्यू मतलब बहुत खूबसूरत नजारा राइट right? सो so, ईगल क्या कर रहा था एंजॉय कर रहा था द स्पेक्टिकल फ्रॉम अबोव ए बी ओ वी अबोव मतलब ऊपर से ईगल इज फ्लाइंग नो तो ईगल इज एंजॉइंग द स्पेक्टिकल एस पी ई सी टी एस सी एल ई स्पेक्टिकल मतलब इंप्रेसिव व्यू फ्रॉम अबोव ऊपर से ओके सो वॉट एपन्स

B e जी आई N, बिगिन बिगिन मतलब शुरू करना एंड बी ई जी ए N, बिगेन बिगेन मतलब शुरू किया सो so, कैमल ने क्या शुरू किया गैलोपिंग गैलोपिंग इज लाइक G A L L O P I N G. गैलोपिंग इज लाइक मूविंग लाइक अ हॉर्स मूविंग फास्ट लाइक अ हॉर्स हॉर्स की तरह जो है फास्ट मूव करना जल्दी जल्दी चलना is कॉल्ड गैलोपिंग एंड एवरीबडी चीय एवरीबडी मतलब हर कोई सी एच डबल ई आर ई डी चीय मतलब खुश हो गया ओके एवरीबडी चीय दट वाओ विद एक्साइटमेंट उत्साह के साथ ई एच सी आई टी ई एम ई एन टी एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट मींस उत्साह राइट सी आर ओ डबल एस आई एन जी क्रॉसिंग द डेजर्ट ऑन

ना वट एपन्स दे द फाइव फाइनली रीच द ओशन ओ सी एन ओशन मीन्स समंदर अब यह फाइव कौन है बच्चों पीटर देन लायन ईगल कैमल एंड शीप सो द फाइव फाइनली रीच द ओशन वे लोग कहा पहुंचे फाइनली ओशन के पास पहुंचे वे आर दे मेट टर्टल टी यू आर टी एल ई टर्टल मतलब कछुआ तो यहां पर किससे मिले एम ई टी मेट मेट मतलब मिले टर्टल से राइट कैन यू हेल्पस क्रॉस द ओशन पीटर आस्ट टर्टल सो कैन यू हेल्पस क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं किसमें क्रॉस द ओशन ओशन क्रॉस करने में क्रॉस मतलब पार करना सी आर ओ डबल एस पीटर आस्क टर्टल पीटर ने जो है टर्टल को आस्क किया वी आर ऑन अ ट्रेशर हंट और पीटर ने और क्या बोला वी आर ऑन अ ट्रेजर हंट हम ट्रेशर हंट पे हैं राइट सो वॉट एपन्स टर्टल एग्रीड एंड ज्वाइंट टर्टल जो है वो एग्री कर गया एंड ज्वाइंट अब क्या हुआ पीटर लायन ईगल शीप एंड कैमल इनको ज्वाइन किया किसने टर्टल ने, ओके सो टर्टल एग्रीड एंड ज्वाइंट पीटर लायन, ईगल शीप एंड कैमल द रफ वेव्स ऑलमोस्ट ड्राउंड द पार्टी अब ये जो समंदर आपने देखा हो बच्चों तो समंदर में क्या होती है लहरें चलती हैं ओके okay? वेव्स चलती हैं जो बड़ी रफ होती हैं बहुत ज्यादा ऊंची नीची होती हैं राइट सो द रफ वेव्स जो ओशन की जो रफ वेव्स हैं ना जो लहरें हैं ऑलमोस्ट ए एल एम ओ एस टी ऑलमोस्ट मतलब लगभग सो ऑलमोस्ट डी आर ओ डब्ल्यू एन ई डी ड्राउंड ड्राउंड मतलब डुबो दिया डूब जाना तो ये जो रफ वेव्स है ना समंदर में उससे जो है ये जो पार्टी थी किस किस की पीटर लायन ईगल शीप एंड कैमल की दे ऑलमोस्ट ड्राउंड वो लगभग डूब गए थे उसमें ओके okay? किसमें

समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट तो टर्टल ने क्या किया उनको समंदर के एक किनारे से समंदर के दूसरे किनारे पे ले गया सो so, क्या हुआ ट्रांसपोर्ट किया उन्हें राइट सो द टर्टल ट्रांसपोर्टेड देम अक्रॉस टर्टल ने जो उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया ओशन के दूसरे साइड दे मेट आउल अब ये जो जितने भी लोग थे ना दे मेट आउल वो आउल को मिले ऑन द अदर साइड अदर साइड मतलब दूसरी तरफ ओशन के अदर साइड राइट आउल स्पोक फ्रॉम हिज विजडम अब जो आउल है स्पोक एस पी ओ के स्पोक मतलब बोला एस पी ई ए के स्पीक मतलब बोलना एंड स्पीक की सेकेंड फॉर्म क्या है बच्चों एस पी ओ के स्पोक सो उल स्पोक फ्रॉम हिज विजडम आउल जो है बोला अपनी विजडम से विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी से ओके okay? क्या बोलता है यू हैव फाउंड द ट्रेशर क्या बोलता है सी ओ एन जी आर ए टी यू टी ए टी आई ओ एन एस कॉन्ग्रेचुलेश मतलब बधाई हो यू हैव फाउंड द ट्रेशर आप लोगों ने जो है फाउंड कर लिया है ढूंढ लिया है क्या द ट्रेजर आप लोगों ने जो है ट्रेजर फाउंड कर लिया है ओके नाउ व्हाट वेपन्स वेयर इज इट दे ऑल एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज वेयर इज इट वेयर मतलब कहां? ये जो ट्रेजर है वो कहां पे है क्वेश्चन मार्क ओके दे ऑल एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज यहां पे देख इसके लिए है सारे जो लोग थे ना पीटर और उसके जो हाथ में जितने भी एनिमल्स थे उनके लिए सो दे ऑल एक्सक्लेम्ड मतलब सरप्राइज में एकदम जो है वो सब एक्सक्लेम किए चिल्लाए ओके नाउ व्हाट एपन्स आउल से समथिंग क्या बोलता है आउल टुगेदर टी ओ जी ई टी एच आर टी ओ जी ई टी एच ई आर टुगेदर टुगेदर मतलब एक साथ सो टुगेदर यू हैव पास द फॉरेस्ट आप लोगों ने जो है साथ में फॉरेस्ट पास किया क्लाइम्ब द माउंटेंस माउंटेंस जो है वो क्लाइंब किए डेर्ड द वैली वैली जो है उसको भी जो है आप लोगों ने क्रॉस किया उसको चैलेंज किया डेड मतलब चैलेंज करना ब्रेव द डेजर्ट जो डेजर्ट है उसको भी आपने सामना किया ब्रेवड मतलब सामना करना एंड क्रॉस द ओशन और ओशन क्रॉस किया राइट यू वुड नेवर हैव डन इट विदाउट वन अनदर तो जो आप हैं, यू मतलब आप लोग वुड नेवर नेवर मतलब कभी नहीं तो यू वुड नेवर है ये कभी नहीं कर पाते नेवर मीन्स कभी नहीं कर पाते विदाउट वन अनदर विदाउट मतलब बिना बिना वन अनदर के बिना एक दूसरे के ओके वन अनदर मतलब एक दूसरे के राइट right? दे ऑल लुक्ड एट ईच अदर अब ये जो थे ना पीटर और पीटर के साथ जो एनिमल्स थे दे ऑल लुक्ड लुक्ड मतलब देखा एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ एंड न्यू के एन ई डब्ल्यू न्यू मतलब जान गए दैट आउल वॉज राइट और क्या पहचान गए या क्या जान गए देट आउल वॉज राइट की आउल जो है वो राइट right था राइट right मीन सही आर आई जी एच टी ओके दे हैड फाउंड फ्रेंडशिप अब ये जो थे ना पीटर और पीटर के साथ जितने भी एनिमल्स थे दे हैड फाउंड फ्रेंडशिप उन्होंने क्या फाउंड किया क्या पाया फ्रेंडशिप दे फाउंड फ्रेंडशिप उन्होंने फ्रेंडशिप हासिल की या फ्रेंडशिप पाई ओके इन डीड आई एन डी डबल ई डी इन डीड मतलब इन रियलिटी मतलब वास्तव में सो इंडीड दे ग्रेटेस्ट ट्रेशर एवर तो इंडीड मतलब वास्तव में रियलिटी में उन्होंने क्या किया दे फाउंड उन्होंने ढूंढा द ग्रेटेस्ट ट्रेशर एवर मतलब जो ग्रेटेस्ट ट्रेजर हो सकता है कभी भी हमेशा वो उन्होंने फाउंड किया वो उन्होंने ढूंढा किन्होंने पीटर और पीटर के साथ में जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सो so, बच्चों इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है वॉट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर कैन यू टेल एस फ्रेंडशिप इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर जो फ्रेंडशिप है वो सबसे बड़ा ट्रेजर है सबसे बड़ा खजाना है सो मेंटेन फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड्स विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर नाउ लेट्स गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स ट्रेजर ट्रेजर मीन्स वैल्यूएबल स्टफ लाइक गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा Dense, dense means thick, kafi ghana. Alert, the quality of being quick and aware. Craggy, very high and rocky. Valley, land between two mountains. Meadow, a field covered in soft grass. Cozy, cozy is warm and comfortable. Mounted means climbed on something. Galloping is moving fast like a horse. Transported means to carry from one place to another. Wisdom means. द क्वालिटी ऑफ बींग वाइस ब्रेव मतलब फेस्ड इन अ ब्रेव मैनर राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन ए वन चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज तो आपको क्या करना है चूज करना है करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेज जो गिवन सेंटेंसेज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए नंबर वन इन द स्टोरी द फर्स्ट एनिमल टू अपीयर बिफोर पीटर इन द स्टोरी मतलब स्टोरी में द फर्स्ट एनिमल सबसे पहला एनिमल टू अपीयर ए डबल पी ई ए आर अपीयर मतलब सामने आना या प्रकट होना किसके सामने बिफोर पीटर पीटर के सामने आने वाला फर्स्ट एनिमल इन द स्टोरी कैन यू टेल ऑप्शन ए टाइगर Option B giraffe, option C lion. So now you have read the story. Which animal came first to appear before Peter? It was option C lion. Okay, now next one the first animal that the traveling party met when they reached the desert. The first animal. जो फर्स्ट एनिमल है दैट द ट्रैवलिंग पार्टी जो पार्टी ट्रैवल कर रही थी अब ट्रैवल कौन सी पार्टी कर रही थी पीटर और पीटर के साथ जितने भी एनिमल्स थे राइट सो द फर्स्ट एनिमल दैट द ट्रैवलिंग पार्टी मेट तो ट्रैवलिंग पार्टी जो है फर्स्ट एनिमल्स को मिली वेन दे रीच द डेजर्ट जब वो डेजर्ट पहुंचे तो वो कौन सा फर्स्ट एनिमल था जिसको ट्रैवलिंग पार्टी मिली ऑप्शन ए कैमल ऑप्शन बी लायन ऑप्शन सी मंगूज सो डेजर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले ट्रेवलिंग पार्टी मेट कैमल ऑप्शन ए क्लियर नाउ नंबर थ्री द वंस हु हैड अ सीट अबोव द कैमल वर तो द वंस हु हैड अ द कैमल मतलब वो एनिमल्स हु हैड हु हैड अ सीट जो जो है बैठा हुआ था अबोव द एनिमल अबोव द कैमल कैमल के ऊपर बैठा हुआ था वो कौन थे ऑप्शन ए शीप ऑप्शन बी गोड्स या ऑप्शन सी लैम्प्स सो दिस इज ऑप्शन ए शीप ओके नाउ आंसर दीज क्वेश्चन ए टू तो आपको क्या करना है ये जो नीचे क्वेश्चन दिए यू हैव टू आंसर देम नंबर वन वॉट काइंड ऑफ अ बॉय डू यू थिंक पीटर वॉज सो वॉट मीन्स क्या सो वॉट काइंड ऑफ बॉय मतलब जो पीटर है वो किस टाइप का किस काइंड का बॉय था ओके इन योर ओपिनियन आपके हिसाब से ओके डू यू थिंक पीटर वॉज सो वॉट काइंड ऑफ अ बॉय डू यू थिंक पीटर वॉज तो आप क्या सोचते हैं पीटर जो है वो किस टाइप का या क्या टाइप का बॉय था डू यू नो कैन यू आंसर दिस सो द आंसर इज हेयर पीटर वॉज एन एडवेंचरस बॉय A courageous and excited lad okay so peter gatha an adventurous boy also a courageous and excited lad okay so this is the answer clear now number two do you know of any other famous stories where a young boy is happily roaming with all kind of animals in the forest so डू यू नो इसका मतलब क्या आपको पता है ऑफ एनी अदर फेमस स्टोरी किसी और फेमस स्टोरी के बारे में वेयर आ यंग बॉय जहां पर यंग बॉय जो है इज हैपीली रोमिंग खुशी खुशी जो है रोम कर रहा है घूम फिर रहा है आर ओ एम आई एन जी रोमिंग मतलब घूमना फिरना विद ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स सारे काइंड ऑफ एनिमल्स के साथ इन द फॉरेस्ट सो आई थिंक यू कैन गिव द आंसर राइट जंगल बुक याद है आपको जंगल बुक में देर इज वन कैरेक्टर कॉल्ड मोगली सो मोगली इज हैप्पीली रोमिंग अराउंड ओके विद ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट सो द फेमस स्टोरी इज द जंगल बुक क्लियर नाउ नंबर थ्री ए थ्री थिंक एंड आंसर तो इसमें आपको क्या करना है थिंक करना है और आंसर करना है राइट नंबर वन इफ पीटर एंड हिज फ्रेंड वुड नॉट है टर्टल कुड दे हैव क्रॉस द ओशन वाई डू यू थिंक तो इसका मतलब क्या है आई एफ इफ इफ मतलब अगर अगर पीटर एंड इज फ्रेंड्स जो हैं वुड नॉट हैव मेट टर्टल टर्टल को नहीं मिले होते वुड नॉट हैव मेट मतलब नहीं मिले होते टर्टल को कुड दे हैव क्रॉस द ओशन तो क्या वो ओशन क्रॉस कर पाते वॉट डू यू थिंक सो आप क्या लिखेंगे इफ पीटर एंड इज फ्रेंड वुड नॉट हैव मै टर्टल दे कुड नॉट हैव क्रॉस द ओशन तो क्या है ओशन क्रॉस नहीं कर पाते सो यू कैन राइट इफ पीटर एंड इज फ्रेंड्स वुड नॉट हैव मै टर्टल दे कु नॉट हैव क्रॉस द ओशन यहां पर दे किस के लिए आया है पीटर उसके फ्रेंड्स के लिए तो वो जो है दे कुड नॉट हैव Cross the ocean, okay, clear? Now number 2 do you think team spirit is necessary for a game like treasure hunt? So do you think, मतलब क्या आप सोचते हैं टीम स्पिरिट मतलब जो टीम भावना होती है कि एक साथ जो है किसी काम को करना सब मिलके करना ओके okay, बिना सेल्फिश हुए दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट सो डू यू थिंक टीम टीम स्पिरिट इज नेसेसरी एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई नेसेसरी मतलब जरूरी सो डू यू थिंक टीम स्पिरिट इज नेसेसरी फॉर अ गेम लाइक ट्रेजर हंट तो आपको क्या लगता है टीम स्पिरिट जो है वो नेसेसरी है फॉर अ गेम लाइक ट्रेजर हंट ट्रेजर हंट जैसे गेम के लिए सो यू कैन राइट योर आंसर बट इन माई ओपिनियन येस टीम स्पिरिट इज नेसेरी फॉर अ गेम लाइक ट्रेजर हंट तो आंसर क्या है येस टीम स्पिरिट इज नेसेसरी फॉर अ गेम लाइक ट्रेजर हंट राइट With this, we have completed our presentation. Please go through all the difficult words and learn the question answers. Thank you.